मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड अबाउट द सिक्स चैप्टर वंडरिंग द स्ट्रॉन्ग इन एजामा ऑफ सप्लीमेंट्री रीडर. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर अबाउट द स्ट्रॉन्ग. देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ. ऑन 27 अक्टूबर 1999, 7 ईयर्स आफ्टर हिज मदर्स डैड, प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेड क्वार्टर्स ऑफ एजामा, अ स्मॉल टाउन इन कौसल ओडिशा, सम 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज, टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड. इसमें एक करैक्टर है बच्चों, प्रशांत, जो 7 साल अपनी मदर की मृत्यु के बाद एक जगह है, कौशल है उड़ीसा में, वहाँ पर जाता है जो 18 किलोमीटर है उसके गांव से एक रात के लिए. इन द इवनिंग अ डार्क एंड मेंसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड वाइंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस विद अ स्पीड एंड फ्यूरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर. एकदम रात के समय वहाँ इतना भयंकर तूफान आता है कि प्रशांत कहता है कि मैंने कभी ऐसा तूफान अपनी लाइफ में नहीं देखा. हैवी इंसिडेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है. एंशंट ट्रीज वर अपरूटेड एंड क्रैश टू द अर्थ, और जो पुराने पेड़ हैं वो टूट कर धरती पर गिर जाते हैं. द एंग्री वाटर्स विटर इन टू द फ्रेंड्स हाउस नेक डीप. द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टर एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द वाइंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर. और इतनी तेज हवा चलती है कि मकान तेजी से बहे जा रहे हैं. क्रूर पानी उसके मित्र के घर में ऊपर तक नेक डीप गर्दन तक भर आता है, और जो इमारत है वो इतनी मजबूत बनी हुई होती है कि वो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली हवा के विनाशकारी प्रभाव को सहन करने के लिए खड़ी रहती है. लेकिन तब भी चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ जो है लोग रो रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं. द ग्रेस डिस्ट्रक्शन ब्रॉड बाय द साइक्लोन एंड द सर्ज ऑफ द ओशन कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स. एल्दो विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस्ड समवॉट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रेफ्यूज ऑन द रूफ. और अगले दिन सुबह कुछ वर्षा जो है वो कम होती है. मकान में बढ़ते हुए पानी से बचने के लिए प्रशांत और उसके जो मित्र हैं वो अपने परिवार को लेकर ऊपर मकान की छत पर चले जाते हैं. प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक एक्सपीरियंस एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवास्टेशन रॉड बाय द सुपर साइक्लोन. जब वो पहली साइट उठकर देखता है सुबह उठकर विनाश का मंजर, तो वो अपना कहता है कि मैं वो चीज़ कभी भी अपनी लाइफ में भूल नहीं सकता. ब्लॉटेड एनिमल्स, कार केसेस एंड ह्यूमन कॉर्पसेस फ्लॉटेड इन एवरी डायरेक्शन. मरे हुए पशुओं की जो डेड बॉडीज़ हैं वो बह रही हैं. ऑल अराउंड इवन यूज ओल्ड ट्रीज हैड फैलन, पुराने पेड़ जो हैं वर्षों पुराने वो गिरे पड़े हैं. टू कोकोनट ट्रीज हैड फैलन ऑन द रूफ ऑफ दियर हाउस, दो नारियल के पेड़ उनके छत के ऊपर भी गिरे पड़े हैं. दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज कैप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलो. और वो उनके लिए वरदान साबित होते हैं, क्योंकि उन्हीं कोकोनट के जो पेड़ों से नारियल है वो ही खाकर वो लोग काफ़ी दिनों तक जीवित रहते हैं. स्टूडेंट, आज हम इसे यहाँ तक ही पढ़ेंगे. इसके बाद हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे. आप इस चैप्टर को अच्छे से, इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना. ओके, थैंक यू.